आप इस हॉस्पिटल की डॉक्टर चटक से तो पेशेंट लगती हो। अगर किसी को इस बात का पता चल गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक है। उनके साथ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या? मुझे पूरा यकीन है कि वो मानसूदा का मैम है, मगर उस आदमी के बारे में कुछ नहीं पता। उन्हें कहीं देखा है? ओ हाँ, याद आया, शिंचन मुझे याद आ गया। नहीं, ध्यान से बात कर, देखो ये आदमी तो हमारे लंबी मुंह वाले प्रिंसिपल सर है। का नाम ही नहीं ले रही, ये सेशन में उपलब्ध है। मछलियाँ, बड़े अफसोस की बात है, किसी के तालाब की मछलियाँ बाढ़ के पानी के साथ बाहर आ गई है। कल किसी का फ्रिज बाहर आ जाए और उसमें से डोनट और आइसक्रीम जैसे देते हुए बाहर निकले, मजा आ जाएगा। मैं तो बिल्कुल सेफ हूँ, अब कोई भी मेरे एरिया पर कब्जा नहीं कर सकता। मैं तो सच में बहुत इंटेलिजेंट हूँ। अब तो हम तीनों दोस्त मिलकर डैनी की जगह पर कब्जा कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि ये कोई नया डिपार्टमेंटल स्टोर खुला है। शिंचन, ये कोई डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं है, ये ग्रैंड, ये बहुत ही मशहूर होटल है, तुम्हें नहीं पता। मेरा सपना है कि जब मैं बड़ी हो जाऊँ तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर डिनर करने के लिए आऊँ, कितना मजा आएगा ना। मेरा सपना है कि मैं तुम्हारे साथ एक ढाबे पर जाऊँ, वहाँ पर हम दोनों बटर चिकन, मलाईदार लस्सी और मखनान खाएं। शिंचन, तुमने कितने अजीब तरीके से चॉपस्टिक्स पकड़ी हुई है। देखो मैंने कैसे पकड़ी हुई है, तुम भी ऐसे ही पकड़ो, समझे? मुझे आता है मम, खाते वक्त चॉपस्टिक्स ठीक से पकड़नी चाहिए। जरूरी बात यह है कि खाना मुंह में जाना चाहिए। सुनो शिंचन, तुम्हें बचपन से ही सही तरीका सीखना चाहिए, क्योंकि बड़े होने के बाद तुम अपनी आदत नहीं बदल पाओगे। अच्छा, आपने बचपन में ये सीखा, इसलिए अब आप अपनी आदत नहीं बदल पा रही है। गजब बेइज्जती है। आ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। कैसा लग रहा है? मुश्किल लग रहा है ना? बस नहीं कीजिए, बातों से मेरा ध्यान मत बताइए। अच्छा अच्छा ठीक है। अगर इतनी सी बात में तुम परेशान हो जाओगे फिर तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। अच्छा तो मातसुजा का साथ आपकी हॉबीज क्या है? मेरी हॉबी, कभी कभार फूलों को सजाती हूँ। मैं एक बहुत अच्छी कुक भी हूँ, मुझे मेरा बनाया हुआ खाना बहुत अच्छा लगता है। मैं अच्छी हूँ। झूठ बोले कौवा काटी। बिल्कुल सही कहा, मैं झूठ बोलने में बहुत अच्छी हूँ। मैं एक बहुत ही बुरी लड़की हूँ। तुम यहाँ पर कैसे आए? ये मेरी क्लास के बच्चों के हैं, मुझे केक खाना है। अरे मातसुजा, मैडम के सारे सपने पूरे हो जाए। शिंचन बहुत ही प्यारा बच्चा है, कितनी अच्छी बात लिखी है उसने। क्योंकि अब वो बूढ़ी होती जा रही है। मैं तो डॉक्टर हूँ।
अच्छा तो ये बात है, तुम नहीं उठोगे। पर गई, अब मेरा कमाल देखो। मेरी हाथों में प्यारी डॉल है, ये बिल्कुल नई जैसी लग रही है। पता नहीं लोग कैसे भेज देते हैं इतनी सुंदर डॉल्स को। मैं इसे हिमावारी के लिए घर पर ले जाता हूँ। इस सुहानी रात में चांदनी के साथ में। A few moments later. मैजिक से मैं पूरी फैमिली को अपने वश में कर लूंगी। ठीक है, सबसे पहले मुझे किसी को थोड़ा मजाक सिखाना है। अरे तुम तो इतनी सुंदर लग रही हो कि मुझे शब्द ही नहीं मिल रहे बताने के लिए।